नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सितारगंज यूनियन बैंक ने 105वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। बैंक के प्रबंधन ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान व्यापारियों, किसानों के साथ ही खाताधारकों को बैंक में संचालित सुविधाजनक योजनाओं की जानकारी दी गई। यूनियन बैंक में किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। शुक्रवार को बैंक ने स्थापना दिवस मनाया। बैंक अब 105वें वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश कर चुका है। ब्रांच मैनेजर प्रियंका गुप्ता ने बताया कि 599 दिनों तक फिक्स डिपॉजिट करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक में गृह ऋण, कृषि ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण के साथ ही न्यूनतम ब्याज दरों पर गोल्ड लोन खाताधारकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के लाभांश की खाताधारकों को सुविधा दी जा रही है। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। आज ही के दिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 11 नवंबर 1919 को किया गया था। आज बैंक 104 वर्ष पूरे कर चुका है और एक नए उत्साह और नई स्फूर्ति के साथ 105वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। हमारी जो हमारे बैंक की प्रतिबद्धता है वह यही है कि हम आप लोगों को और अभी सभी अपने समस्त ग्राहकों को एक बेहतर सुविधा, बेहतर बैंकिंग प्रणाली को मुहैया करा सकें। और मैं अपने समस्त स्टाफ की तरफ से इस बात का आश्वासन देता हूं कि हम आप ग्राहकों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे एवं जो संभव प्रयास होगा वह करने का चेष्टा करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।